हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बैंकिंग टाइम में। मैं विशाल कुमार, तो स्वागत है आपका बैंकिंग टाइम में। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं ना बैंकिंग एग्ज़ाम्स की एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स की 2022 में, तो दोस्तों आप बड़े कंफ्यूज होंगे कि किस टीचर्स को फॉलो करें, किस मेंटर को फॉलो करें, जो सिर्फ ना कि सिर्फ हमें पढ़ाए बल्कि उस तरह से मोटिवेट करे कि हमें डेफिनेटली एक जॉब इस साल मिल जाए 2022 के एंड में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड मैं भी डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि आप जिन टीचर्स को मैं बता रहा हूँ, उन टीचर्स को आपने 10 दिन भी फॉलो किया, तो डेफिनेटली आप मेरे को थैंक्स ज़रूर बोलोगे कि बैंकिंग टाइम थैंक यू सो मच। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारी कड़ी में सबसे पहले नाम आता है हमारे, बल्कि मेरे सबसे प्रिय बहुत ज़्यादा, इन्हीं से मैंने सीखा है सब कुछ, मैथ्स बाई अरुण सर। सबसे पहले टीचर्स महिंद्रा में पढ़ाते थे, अभी बैंकर्स वे भी पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए बैंकर्स वे। मैं सारे चैनल जिनका भी नाम लूँगा मैं सारे डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दिए हैं मैंने। तो दोस्तों अरुण सर बहुत ही अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, और मैथ्स पढ़ाने के साथ 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 आपको वो सब टेक्निक्स, वो सब स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सर की, अरुण सर की महिंद्रा से शुरुआत कीजिए। सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक सब सर ने क्लियर किया हुआ है, सब एकदम डेफिनेटली। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर सर का पढ़ाया हुआ आपके समझ में ना आए तो मेरा नाम बदल देना दोस्तों, सच कह रहा हूँ। अरुण सर बेस्ट एजुकेटर हैं बैंकिंग सेक्टर में क्वांट्स के लिए, जिनसे मैंने सीखा है। आपको भी सीखना चाहिए, आप सीखेंगे बाद में आप जरूर मेरे को बोल रहे कि वाह किस सर का नाम बताया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू करेक्ट एग्ज़ाम। और दोस्तों अगले हैं हम सब के फेवरेट, हम सभी युवाओं के फेवरेट, सबके युवा, एकदम युवा टीचर, एकदम बेहतरीन टीचर, हरियाणा के ज़बरदस्त टीचर मैं कहूँ तो आशीष अरोड़ा सर, बेहतरीन टीचर, सुपर टीचर। जितनी भी तारीफें करूँ, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई जितनी भी पढ़ाई के परस्पेक्टिव में तारीफ करूँ उतनी ही कम पड़ जाएगी आशीष अरोड़ा सर के लिए। आशीष अरोड़ा सर बेहतरीन कंटेंट लेके आते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं, को जरूर ट्राई करना चाहिए। ट्राई नहीं, इवन आपको इन्हीं से पढ़ना चाहिए, इनसे भी पढ़ना चाहिए। पढ़ो हर जगह से पर कंसिस्टेंसी के साथ, और वही सब चीज़ें आपको अरुण सर एंड आशीष अरोड़ा सर सिखाने वाले हैं। आप, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में दोस्तों। बेहतरीन सुपर टीचर्स के दो नाम मैंने आपको बताए, आगे चलते हैं दोस्तों। रीजनिंग में बात करें तो दोस्तों रीजनिंग के लिए बेस्ट टीचर जो मेरे को लगे ही नहीं, जिन्हीं से मैंने सब शुरुआत मैंने इन्हीं सर से की थी। पुनीत सर, पुनीत सर बेस्ट सर है, वही सचिन मोदी सर भी हैं। सचिन मोदी सर क्या पढ़ाते हैं, वो तो क्वांट पढ़ाते हैं शायद। रीजनिंग के लिए पुनीत सर बेस्ट टीचर हैं, ये भी सबसे पहले महिंद्रा में पढ़ाते थे। तो दोस्तों इनसे मैंने इतना सब कुछ सीखा है ना कि मैं, मतलब कहते हैं ना कि हम सब रीजनिंग हमारी परफेक्ट है, लेकिन एक टाइम आता है ना मेंस से बात है ना, मेंस में आके सबके ना फिसड्डी हो जाते हैं सब। फिर सबको लगता है कि अरे 50 में से कितने किए भाई, 40 में से कितने किए भाई, 10 करे, 18 करे, 20 करे। तो अगर आपको सिर्फ प्री लेवल ही नहीं, सिर्फ मेंस के लेवल की रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, क्योंकि करेगा हमें मेंस करना है। प्री तो एक तरह से हलवा पेपर, जो कि आपको ऐसे चुटके में आप निकाल सकते हो पेपर। करना क्या होता है, एक्यूरेसी करनी होती है। लेकिन रीजनिंग अगर आपको मेंस लेवल तक की पढ़नी है तो दोस्तों पुनीत सर बेस्ट टीचर है। और दोस्तों रीजनिंग के लिए एक और सर नेक्स्ट जी आते हैं। तो दोस्तों इन सर को तो कौन नहीं जानता होगा, बैंकिंग क्रॉनिकल 2.0 पे सर पढ़ाते हैं रीजनिंग बाय अंकुश लांबा सर बेहतरीन टीचर है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई थी, मैंने कई टीचर से पढ़ा था, इवन राधे की रीजनिंग, राधे सर भी बहुत अच्छे टीचर है रीजनिंग के लिए, पर एक चीज़ था, एक टॉपिक था ओनली अ फ्यू सिलेबस में, वो मेरे को कहीं से समझ नहीं आया। फाइनली मेरे को एक दोस्त ने बताया, CY मैथर सर ने मेरे को बताया कि आप बैंकिंग टाइम्स या बैंकिंग क्रॉनिकल अंकुश लांबा की रीजनिंग पढ़िए, उनसे सीखो। इवन मेरे को सर ने बताया था, CY मेथड ने भी बताया था मेरे को, ऐसे होता है, लेकिन समझ नहीं आया। फाइनली जब मैंने अंकुश लांबा सर की क्लास देखी ओनली फी वाली, सिलॉक्स वाली, तो डेफिनेटली अब मैं किसी भी सिलॉक्स में मैं कहीं पर हार नहीं मानता। और गारंटी मैं यहाँ पर भी लेता हूँ आप लोगों की कि डेफिनेटली आप यहाँ पर भी हार नहीं मानोगे अंकुश लांबा की रीजनिंग पढ़ने के बाद। सर आपका कोई भी टॉपिक अगर ओनली फी मान लेते, क्योंकि ये कच्चा है ना, ये आपको समझ नहीं आता, एक क्लास आप जरूर देखना भाई साहब, सच कह रहा हूँ, आप दीवाने हो जाओगे सर की, एंड सर की स्माइल के आप डेफिनेटली दीवाने हो जाओगे। बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे सर हैं, एंड बहुत अच्छे मेंटर भी हैं। सारे टीचर जितने मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक साथ साथ पढ़ाई के साथ आपको एक मोटिवेशन जरूर देंगे कि हाँ डेफिनेटली आपको क्रैक करना ही है एग्ज़ाम। एक चीज़ और होती है दोस्तों कि आपने देखो कि पहले ही अटैम्प्ट में लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं भाई, वो उन लोगों का लेवल अलग होता है। लेकिन अपने ये बुजुर्ग 7-8 साल में क्लियर नहीं हो रहा, 3-4 साल बाद क्लियर हुआ, या लोगों को पहली बार क्रैक हुआ, क्रैक होने वाले लोग वो अलग कैटेगरी के लोग हैं, वो बेहतरीन, वो
ए लेवल के लोग होते हैं भाई वो, जिनकी ठीक है बस, लेकिन रीजनिंग के लिए पैसा। और दोस्तों हमारे अगले सर हैं विशाल सर, मेरा नाम से ही वाले सर है, मतलब सर से ही मेरा नाम है ना, विशाल सर इंग्लिश के लिए परफेक्ट सर भाई। इवन सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, सिर्फ एक हंसी के मूड में एक जो टोन होती है ना पढ़ाने की, इवन सर को ना बहुत खिताब भी मिल चुके हैं अनअकैडमी पे, पता है आपको, आपने वीडियो देखी भी होगी सर, मतलब एक पढ़ाना होता है सिंपली, पढ़ाए आए पढ़ाए और चल दिए, इवन आपको ना कि समझ तक आपके महज मगज तक दिमाग तक उतार देंगे ना इंग्लिश को। विशाल सर बेहतरीन सर है इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश के लिए एक और मैडम है, मैम काफ़ी सारी मैम है, निमिषा बंशल मैम है, रूपम चिकारा मैम है, अड्डा 247 पे एक और बड़ी प्यारी मैम है, वो भी सबसे बेस्ट टीचर है। तो दोस्तों अगली मैडम पे आते हैं दोस्तों, तो सबसे प्यारी मैम इंग्लिश के लिए निमिषा बंशल मैम कई साल हो गए पढ़ाते, इतना बेहतरीन कंटेंट लेके आती है, इतना अच्छा पढ़ाते हैं आप मैडम की ना, मैम की आप 120 ग्रामर क्लास रूल, मतलब रूल्स की 120 ग्रामर रूल्स की एक बुक भी है, बहुत दो तीन किताब मैडम ने लिखी, बहुत अच्छी, बच्चे जिनका ना हरदम वेट करते रहते हैं पढ़ने के लिए, आतुर रहते हैं कि कब मैम की क्लास आए, कब हम पढ़ें, और कब मैडम की, इवन आपको हर जगह पे ना टेलीग्राम ये वो कि मैम आपकी परफेक्शन बुक, आपकी ये वाली बुक, आपकी वो वाली बुक, अभी मैम शुरू से क्लासेस ले रही हैं टेंसेस बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो निमिषा बंसल सर्च करना यूट्यूब पे, एंड डेफिनेटली आप यह क्लास आपको ज़रूर देखनी चाहिए, 50 क्लासेस होने वाली हैं फाउंडेशन जीरो से लेकर ना फाउंडेशन से हाई लेवल तक के सारी क्लासेस होने वाली हैं, तो इन क्लास को आपको ज़रूर देखना निमिषा बंसल मैम। और मैडम मैं बता दूँ आपको, अड्डा 247 पर रूपम चिकारा मैम है, एंड अड्डा 247 दो तीन मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हैं, आपको उनको भी ट्राई करना चाहिए, बड़ी प्यारी मैम है, बड़ी अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले कंटेंट। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि रूपम चिकारा मैम इंग्लिश के लिए आप अड्डा 247 पर चेक करना, बहुत ही प्यारी मैम है, बहुत ही प्यारी मैम है, इंग्लिश का बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आती हैं, लेकिन स्पैम मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। और हमारी अगली लिस्ट में सबके फेवरेट, सबके चहेते, सबके दिलदार, सबके फेवरेट सर आशीष गौतम सर, आगरा वाले आशीष गौतम, जीए गुरु आशीष गौतम सर, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते, काफ़ी समय से पढ़ाते आ रहे हैं, महिंद्रा से शुरुआत की थी सर ने, अब अड्डा 247 पे पढ़ाना है आपको। इनका एक शो आता है डेली सुबह 7 बजे, करंट अफेयर, ये आपने देख लिया ना भाई साहब, मतलब आप जीएम करंट में स्टैटिक सब कुछ याद करा देंगे सर, आपको तीन क्लासेस आपको जरूर देखने तब आपको समझ आना शुरू होएगा, बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन क्लास लेते हैं आशीष और गौतम सर। और नेक्स्ट दोस्तों हमारे सबके फेवरेट चाय पे चर्चा वाले अभिजीत मिश्रा सर, बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। इवन मैं आपको बताऊँ, मेरे कलर्स मेंस का पेपर था, तो मैंने आशीष गौतम की क्लासेस देखी थी एंड अभिजीत सर की क्लासेस देखी थी, कलर्क में बहुत कुछ सर से मिलता जो सर ने पढ़ाया वो आया, हालांकि हमें याद नहीं रहता वो अलग बात है ना, लेकिन जो सर ने पढ़ाया था वो डेफिनेटली आया था। सारे क्वेश्चन मैंने आपको अपनी यूट्यूब चैनल की जो क्या होती है वो कम्युनिटी में भी शेयर किया है, एंड अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किए हुए सारे क्वेश्चन जो सर के पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे IBPS कलर्क मेंस 2022 में जो अभी हुआ था 25 तारीख में। दोस्तों ये आपको कैसा लगा मेरा छोटा सा प्रयास, इसमें मैंने आपको फेवरेट सर एंड बेहतरीन सर के बारे में आपको बताया कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं 2022 में अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, अच्छा समझना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन टीचर्स की इन मेंटर्स की वीडियो ज़रूर देखें, इनको ज़रूर फॉलो करना। और मेरा ये आपको छोटा सा प्रयास कैसा लगा तो आप दोस्तों मेरे को ज़रूर बताना, एंड अगर इसका पार्ट टू भी मेरे को लेके आना हो तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा दोस्तों। एंड मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से नहीं, इवन जो काफ़ी पूरे बच्चे एस्पिरेंट जिनको फॉलो करते हैं मैंने उनको सामने लेके आया हूँ, अगर आप शुरुआत करें नहीं तो इन सर को जरूर फॉलो करें। एक और मेन चीज़ दोस्तों वो ये कि आप सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।